नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल #StudyMaster में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों जिस तरह से आप लोगों ने कल जी न्यूज के चैनल पर ताल ठोक के जो कार्यक्रम आता है, जिस तरह से कैराना में आपने अपनी बात को रखा हुआ है, बखूबी प्रशंसनीय कार्य है। और इसके द्वारा आप लगातार ऐसे ही अगर अपनी बात को उठाते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ये कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि जो सबसे बड़ी जो न्यूज आ रही है फिलहाल, तो ये DL.ED वाले प्रशिक्षु हैं BED को प्राइमरी से बाहर करने के लिए मांग कर रहे हैं, पर ये कहीं पर किसी भी हालत में नहीं होगा, ये समझ के चलिएगा। क्योंकि इस वाली भर्ती में तो किसी भी कीमत पर ना हो जाए, और अगली भर्ती में मैं बता नहीं सकता, वो तो सरकार के ऊपर है, सरकार क्या जाने। मेरे हिसाब संशोधन हो चुका है, शामिल कर लिया गया, अगली बार से हो सकता है, ऐसा हो सकता है सीट अलग अलग बांट दिया है, पर अब बाहर नहीं होगा BED, ये भी कन्फर्म है, ये मान के चलिएगा आप लोग, ये तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है अपर सचिव बेसिक शिक्षा से मिला प्रतिनिधि मंडल। इसमें साफ साफ लिखा है TT उत्तरी शिक्षा मित्र संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार से मुलाकात की। संगठन के प्रदेश महामंत्री चौधरी बीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने अपर सचिव के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने मांग रखी कि प्रदेश में लंबित 69,000 शिक्षा भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले का सरकार अनुपालन करे। इस पर अपर सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में रामकिशोर सिंह, खेम सिंह, राम कुमार चौधरी, चरण सिंह, अतुल कुमार, ओम प्रकाश चौधरी, उषा देवी, मीना देवी देवी आदि शामिल थे। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आती है, जो शिक्षा मित्र हैं वो हमसे और भी आगे हैं, वो बराबर कार कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं 40-45 पर सरकार रिजल्ट जारी करे, आंसर की जारी करे तथा 40-45 पर ही भर्ती करे, क्योंकि उनका उसमें भला हो रहा है 40-45 पर, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर आप लोग भी डटे रहिए, आप लोग भी मतलब कि आप लोग रास्ता ना छोड़िएगा, आप लोग डटे रहिएगा मैदान पर, और आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये आप किसी भी तरह से किसी व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं तो वो साफ साफ कह देगा ये घोर अन्याय है, क्योंकि 60 नंबर लाने वाला मास्टर बनेगा और 100 नंबर लाने वाला बेरोजगार रहेगा। ये किस तरह का है, योग आयोग की बात नहीं है यहाँ पर, बात ये है ना जिसके नंबर है उस हिसाब से आप ऐसा निर्णय दो जो सर्वोपरि हो, सभी को मान लो, ऐसा निर्णय हम लोग मानते देते, पर ये तो एक तरफा निर्णय है जिसको हम लोग तो स्वीकार ही नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि 60-65 जिंदाबाद है, लोग नारे लगा रहे हैं, हो सकता हो डबल बेंच में आप लोगों की सफलता हाथ लगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेहनती छात्रों के साथ अन्याय बिल्कुल ना हो, पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ देखिए, आज जो कार्यक्रम है वो दिनेश शर्मा जी के कार्यक्रम है, यहाँ पर देख ली, और जहाँ जहाँ के भी साथी हैं कृपया इस कार्यक्रम के तहत पहुँच जाएँ जिस जिले के हों। यहाँ पर सबसे पहले 11 बजे डुमरियागंज लोकसभा की चुनावी सभा एवं विजय लक्ष्य किसान सम्मेलन को संबोधन है उनका, तिलक इंटर कॉलेज का मैदान बांसी सिद्धार्थ नगर में। सिद्धार्थ नगर के जितने भी 90 संस्थान पास स्टूडेंट हैं तुरंत पहुंचे तथा ज्ञापन दें दिनेश शर्मा को। अब देखिए 12:30 बजे बस्ती लोकसभा की चुनावी सभा एवं विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन को संबोधन, माँ गायत्री डिग्री इंटर कॉलेज है बस्ती में, वहाँ पर भी आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के कार्यक्रम है। बस्ती जिले के जितने भी 90 संस्थान पास कैंडिडेट हैं तुरंत पहुँचें ज्ञापन दें। 2:10 पर कानपुर लोकसभा की विजय संकल्प साइबर योद्धा सम्मेलन को संबोधन करेंगे, रायपुरवा रामलीला मैदान, जो कानपुर में रायपुरवा रामलीला मैदान है वहाँ पर संबोधित करेंगे। इस वजह से जितने भी साथी हैं हमारे कानपुर के, वो तुरंत पहुँचें अपनी बात को रखें। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं 4:00 है मिश्रित लोकसभा की चुनावी सभा में विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन को संबोधन, भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज हरदोई में। अब देखिएगा, देखो सबसे पहले सिद्धार्थ नगर बासी सिद्धार्थ नगर जितने भी 90 संस्थान साथी हैं वो पहुँच जाएँ 11:00। बस्ती के जितने भी साथी हैं माँ गायत्री इंटर कॉलेज में पहुँच जाएँ 12:30 बजे उप मुख्यमंत्री जी का संबोधन है, वहाँ पर ज्ञापन दें। इसके अलावा कानपुर के लोग भी तैयार रहें, हरदोई के भी लोग तैयार रहें। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, आज नोएडा में जो आज तक का चुनावी जो आज तक का जो शो है चुनाव का टाइम चल रहा है शो दंगल, रोहित सरदना जो उसको होस्ट करते हैं दंगल, वो 5:00 नोएडा में है, और नोएडा के जितने भी साथी रहें तो लाइव डिबेट में TV में पहुँच कर अपनी बात को रखें उनके सामने। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 40-45 पर रिजल्ट सोमवार को जारी होने वाला है, ये बिल्कुल ही तरह से फर्जी है, अफवाहों पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई है।
ये शिक्षा मित्रों के द्वारा या जो 40-45 पास कैंडिडेट हैं उनके द्वारा फैलाई जा रही है कि 40-45 पर रिजल्ट सोमवार को जारी होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने वाला है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना होगी तो तुरंत आप तक पहुंचाई जाएगी। और जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि #StudyMaster आप तक सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज पहुँचाता है। कोई भी कैसी भी न्यूज हो, चाहे टीवी डिबेट की न्यूज हो, चाहे न्यूज़पेपर की न्यूज हो, अब तक तुरंत न्यूज पहुंचाता है। और जितने भी साथी हैं हमारा नंबर मांग रहे थे, हमने व्हाट्सअप कर दिया, ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नंबर लिखा है 9955420581। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको बात करें, क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं नंबर मांग रहे थे इस वजह से बहुत दिनों से, तो आज हमने सोचा क्यों ना उनको नंबर दे दिया जाए इस वजह से। और जितने भी 60-65 वाले साथी हैं निश्चिंत रहें, क्योंकि आप लोग एक मजबूत संगठन बन गया है। आप लोग बिखराव मत, आप अपने संगठन में बिखराव मत होने देना ना, नहीं अगर बिखराव हो गया ना तो 40-45 वाले हावी हो जाएंगे आप पर। आप अपनी एकता को संगठित करके रखिएगा। और मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। आप लोग बिल्कुल ही परेशान ना रहें और डबल बेंच में आप लोग अपनी रिट दाखिल करें, क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है पूरा, और आप जल्द से जल्द मामले को आप लोग जल्दी दाखिल करें, जिससे उसकी सुनवाई वहाँ पर भी डबल बेंच में टाइम लगेगा। ये भी तो है, क्योंकि डबल बेंच में भी टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो 3 महीने खा गए, हो सकता है डबल बेंच ज़्यादा टाइम लग जाए। उसके अलावा अगर वहाँ भी संतुष्टि ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि ये समानता का अधिकार है। और भारंग का जो केस है वो 62.5 नंबर का केस है, और 62.5 नंबर कम नहीं होती हैं, सबसे बड़ी बात है। अब मैंने पहले ही बताया, अगर किसी शिक्षा मित्र के 90 नंबर आए हैं और उसको 25 नंबर भारंग के जोड़ दिए जाएँ 62.5, तो कितने हो जाएंगे, 152.5 नंबर हो जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है, क्योंकि हम लोग तो किसी गैर में लगेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों के किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, किसी के 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, और उन लोगों का अगर 90 हैं, अगर +63 जोड़ दिए हैं तो 153 नंबर हो रहे हैं। ये कहाँ का न्याय, ये समानता का अधिकार की बात जज करते हैं, पर ये समानता अधिकार किस तरह का समानता का अधिकार है? समानता का अधिकार उसे कहते हैं जो सभी लोगों को संतुष्ट करे, सभी लोगों को एक समान रूप से। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहें, 60-65 वाले मेहनती छात्रों के साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा। मैं भी मेहनती छात्रों के साथ खड़ा हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि मेहनती छात्रों के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि 60-65 वालों को उनका फल अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। इस वजह से मैं 40-45 से विरोध नहीं कर रहा, पर मैं ये विरोध एक तरह से नहीं कर रहा, कि सबसे बड़ी बात ये कि 60-65 वालों को उनका जो मेहनत की उनका उसे फल मिलना चाहिए। अगर आप 40-45 हैं तो 60-65 वालों पर कोई नहीं, और कुछ साथी हैं जो 40-45 पास हैं वो खुश हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 40-45 सभी को थोड़ी नौकरी मिल जाएगी, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो दोस्तों निश्चिंत रहें और बिंदास रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें आराम से, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है, कोर्ट का मामला, ये लंबा मामला चलेगा। आप लोग भी निश्चिंत रहें और भी तैयारियाँ करते रहें एग्ज़ाम की, और आगे भी सीटेट टेट वगैरह है, जिसकी तैयारी हमारे चैनल पर बखूबी बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे PDF के माध्यम से। जिसको भी लेना हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। जिस तरह के नोट्स, अगर NTPC के रेलवे के नोट्स चाहिए हो तो रेलवे के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे PDF के माध्यम से। इसके अलावा सुपर टेट की चाहिए हो सुपर टेट के मिल जाएंगे, टेट के नोट्स चाहिए हो तो टेट के नोट्स मिल जाएंगे। जिस तरह के आपको जिस भी कंपनी से नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, ठीक है दोस्तों। बस 60-65 वाले निश्चिंत रहें, संगठन मजबूत बनाए रखें और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें, क्योंकि शिक्षा मित्र जो भी भाई हैं वो भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए। मस्त रहिएगा दोस्तों, बिंदास रहिएगा।